जो हमारा टॉपिक है वो है आइस। आइस का जो डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसके साथ फंक्शंस जो है, कि जो भी लाइट जो है, जो हमें इमेज दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, वो जो है आज उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द आइस। आइस जो है वो कुछ ऐसा है, साइड वाइज अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा है। इससे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब सामने से देखते हैं तो आइस कैसे होती है। नॉर्मली क्या होता है, ये आईबॉल होता है, दिस इज़ द आईबॉल। उसके बाद ये जो है ये आयरिस बोलते हैं इसको, और उसके अंदर क्या होता है, प्यूपल। ब्लैक कलर का जो आपको दिखता है दैट इज़ द प्यूपल। तो इसमें क्या होता है, आयरिस जो है वो क्या करती है, आयरिस जो है ये आयरिस जो है वहाँ पे जितने भी लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होती है। ये जो आयरिस जो है इसमें ऐसा पिगमेंटेड सेल्स है। पिगमेंटेड सेल्स इसलिए है क्योंकि किसी किसी के आइज ब्लैक होती है, किसी किसी के आइज जो है वो ब्राउन होती है, और कुछ लोगों की ग्रीन होता है, तो वाइस वर्सा अलग अलग लोग का अलग अलग आई कलर होता है। तो वो आई कलर चेंज क्यों होता है, सबका एक समान क्यों नहीं है, वाई डज इट चेंज इन एवरी डिफरेंट पीपल, दैट्स बिकॉज आयरिस जो है, आयरिस में कुछ ऐसे पिगमेंटेड सेल है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब लाइट जो है या आयरिस में रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सेल का कलर जो है उसकी वजह से क्या है, आयरिस का कलर जो है किसी का ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, उसके बाद ब्लू होता है, तो वो उसकी वजह से होता है। तो आयरिस जो है वो क्या कहते हैं, पिगमेंटेड सेल्स की वजह से कलर चेंज होता है। आयरिस का दूसरा काम ये होता है कि जैसे प्यूपिल हो गया, प्यूपिल में ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में जो आयरिस है, इस वाले एरिया में जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होता है, कुछ अब्सॉर्ब करता है और कुछ क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो उल्टा कर देता है। बट क्या होता है, प्यूपिल जो होता है ये स्पेस में, ये जो ब्लैक कलर का जो हमारा स्पॉट दिखता है वो जो है वो एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ पर लाइट जो है पूरा एंटर कर जाता है। तो यहाँ से पूरा एंट्री होकर यहाँ तक आता है। आयरिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन प्यूपल में जो लाइट पड़ती है, जो यहाँ पे जो लाइट पड़ती है इस वाले पॉइंट पे ब्लैक कलर, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट लाइट जो है वो पीछे को आती है। पीछे को आने के बाद जो है उसका प्रोसेस जो है वो बाद में देखते हैं। तो प्यूपल में जो लाइट जाती है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाकर टच होता है, यहाँ पे, दिस नोन एज द रेटिना। ये रेड कलर जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज द रेटिना। तो इसमें क्या था कि ये जो था इसको हम क्या बोलते थे, आयरिस बोलते हैं इसको, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है ये आयरिस हो गया, और ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज़ नोन एज द प्यूपिल। और जो बाहर का कवरिंग है, जो बाहर का कवरिंग है, दिस इज़ नोन एज द कॉर्निया। ये जो कवरिंग है ये कॉर्निया बोलते हैं इसको, ओके, कॉर्निया हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आयरिस जो है ये दूसरे एक और चीज़ उसमें हेल्प करता है। जैसे घर में पर्दे होते हैं, जब दिन में क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा सनलाइट जो है, रेज जो है रूम के अंदर आती है, तो फिर क्या करते हैं, पर्दा जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो ताकि ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर रूम के अंदर ना आए। तो आयरिस जो है वो ऐसे ही है, क्या करता है कि जब प्यूपिल में, ये जो प्यूपिल था यहाँ पे, जब लाइट जब पड़ती है तो ज़्यादा ये जो यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे ये जो नॉट लेंस, यहाँ पे जो सेल्स है, रेटिना की जो सेल्स है, अगर प्यूपिल जो है ऐसे खुला रहेगा, अगर वो डायलेटेड रहेगा, तो बहुत सारे लाइट जो है, बिकॉज दिन में क्या है, बहुत सारे सनलाइट जो रेज जो है वो आइस के अंदर आती है, तो बहुत सारा सनलाइट रेज जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो और यहाँ के सेल जो है उसको डैमेज ना करे, दिस इज़ द रीज़न कि आयरिस जो क्या करते हैं, आयरिस जो है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे पर्दे होते हैं रूम में, रोशनी ज़्यादा ना आए तो पर्दे लगा देते हैं, वैसे क्या करता है, आयरिस जो है वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा लाइट्स जो है, जो ब्राइट लाइट्स जो है वो अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे, जिसके वजह से रेटिना के जो सेल्स जो है वो ख़राब ना हो जाए। और वैसे ही रात को क्या होता है, रात को लाइटिंग्स जो होती है बहुत डिम होता है, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है देखने के लिए, इसीलिए क्या होता है कि प्यूपिल जो है रात को फिर डायलेट हो जाता है, ताकि अच्छे से देख पाए। तो क्या होता है, ये जो कॉर्नी है, कॉर्नी के अंदर यहाँ पे क्या है, एक्यूस ह्यूमर है। एक्यूस मतलब कि वाटरी, एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस ह्यूमर में क्या होता है कि यहाँ पे पानी जैसा यहाँ पे फ्लूइडी जैसा सब्सटेंस रहता है,
पानी जैसा रहता है इस वाले एरिया पे, खाली वाले एरिया पे 99% जो है वो वाटर ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, 99% वाटर ही होता है, लेकिन 1% जो है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशियस जो है वहाँ रहती है। एक्वस ह्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट होने का इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे नरिशमेंट जो है, कॉर्निया हो गया, लेंसेस हो गया, तो इनमें यहाँ पे क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करे, इसीलिए एक्वस ह्यूमर जो है यहाँ पे, तो वाटरी सब्सटेंस है, 99% वाटर है, 1% जो है वो अदर मटेरियल्स है, अदर न्यूट्रिशियस मटेरियल है, ताकि यहाँ पे क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहे। उसके बाद आता है यहाँ पे ये जो है, दिस इज़ नोन एज द लेंस, ये जिसको लेंस बोलते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो जैसे नर्व जैसे जो दिख रहा है, दिस आर द सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि लेंस जो है, जब लाइट आती है तो क्या होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये कुछ ऐसे आती है, दूर वाला जो होता है, जब जब कोई भी चीज़ जो है बहुत दूर होता है तो लाइट जो है कैसे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्ट होना होता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना होता है, बिकॉज क्या है कि रेटिना जो है, जैसे फिल्म्स जैसे देखते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था, प्रोजेक्टर लगी होती थी, प्रोजेक्टर लगने के बाद एक पर्दा लगा होता है, पर्दे में जब भी लाइट पड़ती है तब जाके इमेज जो है वो बनती है, उसके बाद मूवीज़ देखते हैं, तो वही चीज़ जो है रेटिना जो है, ये जो रेड कलर का आपको देखा है, दिस इज़ द रेटिना, रेटिना जो है वो वही काम करता है पर्दे जैसा, यहाँ से लाइट आती है, लेंस के लेंस जो है उसका एक कर्व बनाता है, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है वैसे कुछ होता है, तो लेंस जो है वो क्या करते हैं कि एक ऐसा एरो बनाते हैं, जैसे एक ऐसा क्या कहते हैं कि एंगल बनाते हैं, ताकि रिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली यहीं पे पड़े, और यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होता है कि हम इमेज जो है देखने को मिलता है। तो फिर क्या होता है, जब दूर के जो कोई भी चीज़ होती है, जब भी हम कुछ भी देखते हैं बहुत दूर में रहता है, तो फिर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर में, तो फिर कैसा आता है, ऐसे लेंस में आती है, ये लेंस में रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो चीज़ जो है वो कैसा चला जाता है, ऐसे वो ऐसे चली जाती है, ताकि क्या है कि जो दूर का चीज़ है उसमें क्या है कि इतना आइस को प्रेशर देना नहीं पड़ता बिकॉज ऑलरेडी दूर है। तो ये लेंस जो है वो कैसे काम करता है, ये जो सीलियरी मसल्स जो है उसको सीलियरी मसल्स जो है इसको शेपिंग देने में काम करता है। अगर दूर का है तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर पास का है, बहुत ज़्यादा पास का है, तो फिर क्या करता है कि ये जो लेंस है इसको छोटा या बड़ा करने में हेल्प करता है। जैसे हमें जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग कैमरा से खींचते हैं, DSLR वगैरह से खींचते हैं, तो जब दूर वाला होता है या पास वाला होता है तो लेंस को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करके फिट करते हैं। वही काम जो है हमारा आइस वाला जो लेंस है वो भी करते हैं, लेकिन किसके हेल्प से, सीलियरी मसल्स जो है इसके हेल्प से ये लेंस जो है उसको क्या कहते हैं कि उसको शेप देने में, कि ताकि जो भी लाइट जो है, जो भी हम चीज़ देखने चाह रहे हैं तो डायरेक्टली रेटिना पे पड़े। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर दूर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमें देखना है, तो फिर लेंस जो है वो नॉर्मल रहता है, कि उसमें इतना वर्कलोड जो है वो नहीं पड़ता है, लेंस जो है सीलियरी मसल जो बहुत रिलैक्स रहता है क्योंकि दूर का है। लेकिन जब पास होता है, जब बहुत पास आता है, तो फिर नॉर्मली क्या है, दूर से जब आ रही है तो उसका एंगल ऐसे बन रही है, लेकिन अगर कोई पास में है, बहुत पास में है, तो फिर क्या होता है, नॉर्मली ये लेंस है तो उसमें क्या होता है कि अगर बहुत पास में होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, बहुत पास में है, तो फिर लेंस जो है वो इतना बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ जो है वो ऐसे जाएगी, अगर जो रिफ्लेक्शन जो है अगर ऐसे जाएगी तो फिर रेटिना पे नहीं पड़ेगा और हमें दिखाई नहीं देगा कि सामने ऑब्जेक्ट है क्या। सो दैट्स वाई क्या होता है, ये जो सीलियरी मसल्स जो है वो क्या करते हैं, फिर उसको लेंस को कम कर देती है। लेंस अगर ये लेंस ऐसा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और रेटिना यहाँ पे क्या है, उसका रिफ्लेक्शन जो है पड़ना है, बट क्या होता है अगर ऐसे ही रहेगा तो वो चीज़ जो है ऐसा चला जाएगा, अगर उसका रेटिना पे नहीं पड़ेगा तो फिर ऑब्जेक्ट जो हमें पता नहीं चलेगा जो पास में होता है। सो दैट इज़ द रीज़न क्या होता है कि ये लेंस जो है, सीलियरी मसल्स जो है वो क्या कर देता है, लेंस को छोटा कर देता है ताकि हम अच्छे से देख पाए। तो लेंस जो अगर इतना छोटा हो गया तो फिर ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी ये, अगर लेंस बड़ा होगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत वाइडली हो जाएगा, तो रेटिना पे नहीं पड़ेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिखेगी। बट अगर लेंस जो है अगर वो छोटा हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो सीलियरी मसल्स जो है उसको लेंस को छोटा कर देता है ताकि जो है रिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्ट रेटिना के ऊपर ही आए। ओके, सो हमें कैसे पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है,
जैसे ईयर्स में हमने पढ़ा था कि जो भी साउंड वेव्स जो है वो आ रही है, जो वाइब्रेशन जो सिग्नल्स आ रही है उसको हमने क्या करना है, वाइब्रेशन जो है उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमने कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़ क्या कर रहा है यहाँ पे रेटिना में, जैसा पढ़ रहा है रेटिना में पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ ऐसा सेल्स है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है हम देख रहे हैं जो रिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ने के रेटिना में पढ़ने के बाद एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसमें चेंज करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स आता है, ऑप्टिक नर्व्स जो है उसके हेल्प से क्या होता है, जो भी इमेज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचती है और हमें पता लगता है कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे बहुत खाली खाली जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो विट्रस ह्यूमर जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, ताकि क्या है कि ये जो आइस है उसका शेप जो है शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे आइस का जो आईबॉल का जो शेप है वो मेंटेन करके रखे, दैट इज़ वाई विट्रस ह्यूमर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एक्यूस ह्यूमर जो प्रेजेंट है वाटर ही है, 99% वाटर है, बट उसका क्या है न्यूट्रिशन 1% जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो विट्रस ह्यूमर जो है, विट्रस ह्यूमर इस एक जेली लाइक सब्सटेंस है ताकि आईबॉल जो है उसका शेप जो है वो बरकरार रखे। तो ये जो है इसमें आयरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स हो गया, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिक नर्व्स हो गया। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है कि जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है रेटिना के ऊपर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके ब्रेन तक पहुँचाया जाए, दैट इज़ वाई द ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद ये अंदर वाला जो है ये स्पेस जो है ये विट्रस ह्यूमर से भरा हुआ है, क्योंकि इट्स लाइक जेली लाइक सब्सटेंस। तो रिफ्लेक्शन जब आती है तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है कॉर्निया जो है कॉर्निया के थ्रू से आने के बाद आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो रेटिना पे पड़ेगी। अगर बहुत ब्राइट लाइट्स है तो क्या होगा, रेटिना के सेल्स जो है उसको डैमेज कर सकती है। दैट्स वाई क्या है कि उस आइरिस जो है वो प्यूपल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा लाइट जो है, अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है और अगर प्यूपल जो है वो बहुत डायलेटेड रहा तो फिर क्या है, बहुत सारा लाइट जो है वो आइस के अंदर एंट्री करेगी, उसके वो रेटिना के जो सेल्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई क्या है कि आइरिस जो है वो प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट और फिर डायलेट करने में हेल्प करती है। और उसके बाद लेंस जो है, लेंस की वजह से क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ते हैं। लेंस जो है मैंने आपको बताया था जैसे मिरर में होता है कि रेड रिफ्लेक्शन के लिए हम एंगल्स बनाते हैं, वैसे लेंस जो है वैसे एंगल बनाती ताकि जो भी हमें देखना है वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर ही पड़े। तो वो कौन हेल्प करते हैं लेंस को, सिलेरी मसल्स जो है वही हेल्प करते हैं, या तो खींच भी सकते हैं और या फिर उसको क्या कहते हैं रिलैक्स भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो है करना है जिस तरीके से दूर का है या फिर पास का है, तो वो कौन करते हैं सिलेरी मसल्स जो है लेंस को शेप देने में हेल्प करती है। और आइज जो है उसको शेप में रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, विट्रस ह्यूमर जो है वो हेल्प कर रहा है किसको, आइज को शेप में रखने के लिए। आई होप आज का क्लास जो आपको समझ में आया, थैंक यू क्लास।